हे सुमन, क्या तुम आ गए? आओ मेरे समीप बैठो। मेरे दो हंसों की जोड़ी को साथ लाए हो ना, या वहीं छोड़ा है? हाय, हेलो, हाय। जो भी आता है जान खाता है। अरे सुमन भाई, कुछ तो कहो। मैंने बहुत समझाया किंतु वो नहीं माने। आखिर तो कहा होगा जी अन्नदाता, आपकी आज्ञा अनुसार। जब मैं रक्त कसु की सेवा में गया तो उन्होंने रक्त में बैठने से मना कर दिया, किंतु आपकी आज्ञा समझकर वह मान ले। शाम को हम गंगा तट पर ही सुराज की कुटिया में विश्राम किया। सुराज ने भोजन के लिए पूछा तो श्री राम ने मना कर दिया। दूसरे दिन मैंने आपके विचारों से अवगत करवाया। किंतु क्या मजाल की वो तस के मत हुए। अंत में मुझे यह कहा कि तुम मुझे धर्म से जिगा रहे हो। बिना 14 वर्ष व्यतीत किए हुए कदापि अयोध्या में कदम नहीं रखूंगा। यह मुझे पहले ही ज्ञात था कि मेरे जीते जी अब वो वापस नहीं आएंगे। और बताओ सुमन, कुछ हाल भी कह रहे थे? हाँ महाराज, आपको तथा तीनों रानियों को प्रणाम कहा तथा यह भी कहा कि भरत को ननी हाथ से बुलाकर राज अभिषेक करवा देना। पुत्री सीता के बारे में तो बताओ। क्षमा कर देना बेटा, क्योंकि अब मैं इस दुनिया से प्रस्थान करने वाला हूं। हे प्रभु दया कीजिए। Thank you.
वाकया याद आया है, वो मैं तुम्हें सुनाना भूल गया था। सुनो गुरु जी, इधर बैठिए। एक दिन जब मैं मृगों का शिकार करने वनों में बहुत दूर तक निकल गया था, मृग तो कोई नहीं मिला, किंतु मृगों के धोखे में मेरे हाथों से श्रवण का वध हो गया। श्रवण के माता पिता ने इसी दुख में मुझे श्राप दिया था कि तेरी मृत्यु भी हमारी तरह पुत्र वियोग में होगी। मुझे आज कुछ ऐसा ही जान पड़ता है। अब तुम सब